जावे तो क्रीम काली होगी या तू सफेद, सोचने वाली बात। डीएम साहब भी आए हुए हैं। नेट पर जो अश्लीलता फैली है आप इसको कैसे देखते हैं? फुल एचडी में देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम करता है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंकित बबुआ में। और आज फिर से हम लोग कुछ ला है नए नए ट्रेंडिंग मेम्स, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड चल रहा था, भाई अंकित भाई लाओ यार मेम्स लाओ कोई अच्छा वाला। तो बात तो बनता है ना यार, आप ही लोग के बात और डिमांड पे तो हम वीडियो बनाते हैं। तो फिर क्या, चलो ये स्टार्ट करते हैं और इससे भी कुछ भाषण वगैरह सुन लेते हैं। जनता जनार्दन होती है, जनता का बात सुनना हमारा कर्तव्य है। जनता ने जो बोला वो हमारा करना धर्म बनता है। हम धरती पे आए क्यों है जनता का बात सुनने के लिए? मैं धरती पे जन्म ही हुआ जनता का बात सुन के वीडियो बनाने के लिए। ज्यादा नहीं बोल रहे जनता जनता नहीं भाई, फिलहाल हमारा चाचा क्या कर रहे हैं? इंडिया में ऐसे ऐसा के बहुत है, मेरे दादा है ऐसा नहीं कर पाते यार। सही बोल रहे, मेरे दादा की उम्र का ये बंदा लगता है, ऐसा कौन करता है यार? ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर पाइएगा? सारा ऐसा ऐसा आदमी है, गजब यार, नेक्स्ट टोपी बंदा है। एक बार लग जाएगी ना तो किलो का मौसी चल जाएगी हवाला। अभी चचा बच गया वरना बच जाता। अगर हम बर्फ को खाएंगे तो भूख मिटेगी या प्यास? बर्फ खाएगा मिटेगी, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। अगर तेरे क्रीम लगाई जावे तो क्रीम काली होगी या तू सफेद, तो सोचने वाली बात ना। लेकिन बात सोचने वाला, सही बोल रहे हैं, बर्फ को खाएंगे तो प्यास मिटेगा कि भूख मिटेगा, बात हम भी सोच रहे हैं। कलुआ सही बात बोला है। जब मैम क्लास में पूछती थी कि बड़ा होके क्या बनेगा, तब तो बोलता था कि डॉक्टर बनेंगे भाई, लेकिन अभी मतलब समय चेंज है यार। ले डीएम साहब भी आए हुए हैं। अरे मतलब ये बंदा बोला कि हम कलेक्टर बने, बोल दिया डीएम, बोले डीएम साहब भी खाली मार रहे। ये बताइए कि इंटरनेट पर जो अश्लीलता फैली है आप इसको कैसे देखते हैं? फुल एचडी में देखते हैं। फुल एचडी में देखते हैं। फुल एचडी में बोलना ही नहीं इसको, नहीं बोलेंगे विवाद हो जाएगा। टैग योर फ्रेंड, ओके कौन सा टैग करना है? हम लोगों ने गरीबी हाँ भाई। और कत्तम भाई कहाँ हो आजकल? अरे वो लखनऊ आए थे पापा के बिजनेस सिलसिले में। बताओ बिजनेस सिलसिले में? अरे यार थोड़ा रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर लेते। बिजनेस सिलसिले में आया और... रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा है। चलो अच्छा। रेस्टोरेंट में लाठी उठी सब रखा रहता है आसपास। और कभी हमको भी खिलाओ लो। अरे यार तुम सामने होते तुमको नहीं खिलाते? अरे हम रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हैं। बहुत फेकड़ा था। अरे यार वाह भाई वाह, बहुत फेकड़ा था, अच्छा था यार। क्या हुआ भाई? अबे गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे बैठना मैं निकाल रहा हूँ। अरे मुझे ऑफरोडिंग करने में बहुत मजा आता है। एक काम करते हैं, एक बार तू ट्राई कर ले, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। चल पहले तू निकाल ले। लड़का का बारी था वो पार हो गया, अब आई लड़की की बारी। लड़का एनी टाइम ओपी रहता है भाई, मानो चाहे मत मानो, लड़का एनी टाइम ओपी रहता है। नहीं ये लड़का है ना इसलिए साइड ले रहा है। नहीं। अरे भाई मतलब लड़का लड़के का साइड लगा रहा यार, तुमको क्या लगता है मिजरा है? नहीं बोल थोड़ा लड़का मतलब समझ रहे। अरे मेरा इंटेंशन ये था कि समझा जो
तू नहीं समझा। छोड़ो नहीं बनना यार। अरे यार यहाँ तो पानी भरा हुआ है, अब आगे कैसे जाएं? चलो दूसरे रास्ते चलते हैं। नहीं यार, अब 5 किलोमीटर लंबा कौन रास्ता जाए? अगर इसमें गिर गए तो कपड़े गंदे हो जाएंगे और पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यार, ये लड़के कर सकते तो हम लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकते? हम लड़कियाँ लड़कों से कम है क्या? चलो अरे सच बता रहे, लड़की का लड़का का कोई कंपेयर नहीं कर सकता भाई। लड़का बनने चल रही थी, लड़का स्टाइल मार रही थी। इंदर, ये ऐसे रोज रोज बियर और भांग पीने से लोग मर जाते। वैसे भी तो एक दिन मरना ही। अबे मर जा भाई। भाई तू मर जा ना तो हम लोग को मार दो। सच बता रहे, ऐसा ऐसा वीडियो देख के जीने का मन नहीं करता है। बात तो सही है। ये बोल रहा है बियर भांग, स्ट्रिंग का बोतल लेके बोल रहा है बियर भांग। यार तू मतलब चल जाना तो हम लोग को जाने दे। मतलब हम दोनों तो ऐसे ही हैं, पता ही आप लोग को, हम दोनों से सिंगल ही रहेंगे यार। ये सिंगल छोड़ो, नहीं गाइस नहीं बोलना, ये सिंगल नहीं दिखता। चेहरा नहीं दिखते हैं कलवा से कोई। कहाँ से आते ये भगवान क्या जुलूम है? गाओ इसके लिए डर जान, और इसके लिए डर जान, बुरु बुरु इसके लिए डर जा रहा था। जैसे करेगा वैसे ही मारोगे बच्चा। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं भाई। यार दिमाग तो देखो भाई, मतलब सिलेट लेकर यार गजब आदमी है चाचा, एकदम रॉक है यार, एकदम चाचा रॉक है। जिसको भी गाड़ी में इंडिकेटर नहीं हो ना तो एकदम यही मतलब है कि ये है कि लाइफ हैक से ये सही बात है। अच्छा था यार जो रील्स बनाए वो काफी माइंड दिया हुआ यार, मतलब अच्छा था ये देखे कपड़ा खुल जाएगा क्या यार। हम सच बता रहे हैं, इस समय दिल में बहुत दर्द होता है, बेचारे की मम्मी भी नहीं रहती होगी। हमको पता है कपड़ा भेजने के बाद गिर जाता है ना यार, सही में बहुत दुख होता है। का ही बंदा बहुत दुख है। जो बंदा अकेले रहता होगा ना भाई, उसी को पता चलता होगा यार घर कैसे हैंडल करते, सफाई कैसे करते, यार बहुत दुख है जिंदगी में। और बस इतना ही था, अब ज्यादा है नहीं, और ज्यादा लंबा बनाएंगे तो आप लोग देखोगे भी नहीं, बोर हो जाइएगा। हाँ, बोर हो जाइएगा, मतलब पब्लिक का टाइम नहीं खाना चाहिए। टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज मनी, मस्ती भी और प्लस में टाइम भी, ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए कम मतलब मेम्स लाते हैं। और आप ही के डिमांड में बोलते थे कि भैया ज्यादा लॉन्ग वीडियो मत बनाइएगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, फैमिली बोलता है कि ज्यादा मोबाइल चल रहा है, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को, और बहुत ही अच्छे एक इस बार और मेम्स लाया जाएगा आप लोग के लिए। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत दुख होता है। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, बाय, हैव अ गुड डे।